आप सर्वर वाली बोर्ड के को नया एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है गाइस। गाइस आज किस एपिसोड में हम लोग एम करने जा रहे हैं गाइस, चालीकोट एरिया में रुकना। चालीकोट एरिया से टीम करने से पहले पीयर ले लेते हैं सारे चीजें। ले लगाई तो कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, पीयर लेना भूल गए। पीयर बनाने के लिए आई गेस डाले तक दो तीन क्या पांच छह एपिसोड पहले ही डाला था बियर वगैरह बनाने के लिए। चालू को तीन दिन टाइम था, पहले का श्रम भी बना लेता आया तो अच्छा नहीं स्मृति में बनेगा मेरे को टाइम देगा अंदर अभी या फिर एक चीज होने देते यार ये वाला। अच्छा ये चालू को है, ये क्या है चार छो की आता नहीं कि हमें तो कुछ फॉर्म भी नहीं होगा अभी तक। ये ले लो ये कलर भी रख लो, ये भी और ये भी ये भी। मेरा नाम क्या है चार चार ये बार देख लेते हैं कि मैं पे स्टोन होता है ये आर ट्रायल तो है नहीं अभी तक मेगा कार्न मतलब अल्फा कार्न। अभी लास्ट के पीछे ओके गाइस हम लोग ने ब्लो अप के फिर से टेलीपोर्ट रुकना दिया नहीं लिया फिर से लग रहा है मेरे को चार चार तक तो शेडो बना दिया या लिया नहीं लिया है या लगा ही था मेरे को बार बार जब तुम जब से क्या मेरे को ये हो रहा है मेरे तो आज वाटर के कब टाइम पर मारा था मैंने तो मैं वाटर के अंदर था तो वाटर के देख रहा था तो तेरे में से मेरे को था अगर तीन हो चुके होंगे ओके तीन तीन छः से होगा तो ठीक करेंगे नहीं होगा तो नहीं है। चलो फिर से लास्ट पानी का सिंबल दिख रहा था मेरे को अब नहीं दिख रहा आप तो सही देखा इस तरफ ऑलमोस्ट आने वाला नीचे ये तो दारू चलो इस तरफ तो उसका नाम निशान नहीं है पानी के अंदर कोई और कोई दारू इस तरफ नहीं है कोई दारू तरफ है क्या यार जियो डोन है कार्नो वैर तो किया पर दो है बनने की एक एक गया या पर एक और है साथ में इन लोगों के साथ में कोई तो है कार्नो ऊपर ही लगा कर कहाँ पर और इस तरफ भी यहाँ पर मतलब करवा रहे यहाँ पर नहीं है यहाँ पर कहाँ पर है तो कब से करो इस तरफ नहीं उस तरफ चलना
बोल रहा हूँ ओके, अभी जिंदा नहीं है क्या? 180 बिल्कुल नहीं खेलता ना 180 वाला, बहुत ज्यादा लो लेवल का है ना। नॉर्मली कहीं पर वो है पर कुछ फोन होते तो 160 लेवल का रैप्टर से अपर है, रैप्टर से अपर हो जाएगा काम खाना मेरे से क्या मैंने पहले से सब डाउन है इसको पढ़ा नहीं जाने ये नहीं कर तो अभी भी सिंदा नहीं ये कोई भी ना नॉर्मली खिला सकते हैं इसको ना मैं तो नहीं खिलाने वाला था बेरी सर्विस करते थे इसको बेरी सर्विस करने वाले खिला सकते हैं एग्रो हो जाएगा जल्दी 73 बेरीज कितना चाहिए था बेरीज सारी चीज तुम्हारे पास रख बाद में लेता हूँ कैसे दो पास
करने के लिए, ताकि भी मम्मी और उनके बाद अंडा क्यों नहीं दे रहा। तो फ्रॉग का अंडा, दो दो अंडे मिल चुके, फर्टिलाइज एग, सारे को बाद में खर्च करेंगे। प्याज कर सकते हो, भी आखिरी में भी नहीं। फर्टिलाइजर तो देखो इतना ज्यादा फर्टिलाइजर से गाइस अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तो होता है एक कर रखी होता है जी, उसमें क्या चाहिए देखे तो उसको तो पूरा होता है गाइस। या 64 ठीक है, टाइटन प्रो फ्लोर चाहिए, कौन चाहिए, कौन सा रखना चाहिए, नॉर्मल SS वाला चाहिए इसको। उसका ये स्टोरेज तो 250 होता है मैक्स, नॉर्मल इसका 100 होता है। प्लस जी डिसेबल कैन स्नैप, क्या था कैन स्नैप टू इस सेल, रुकना माई सेल बना रहे इसको बनाडा, क्या बोलता है प्लेस में प्रेस जी, वो कोई कोई एक्सेस करने के लिए जी होता है क्या, जी 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 खेलने में मजा आ रहा है। फोल्डर प्लेस फर्टिलाइजर्स के लिए बना डाल वैसे भी टोटल 64 मतलब 6400 का होगा। नॉर्मली उसको बनाऊंगा तो कितना होगा ना, ये चलो 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 टपर नहीं, ये फर्टिलाइजर या तो फर्टिलाइज नहीं, ये भी फर्टिलाइज नहीं है कि या नॉर्मल है। ओके नॉर्मल एक्स नहीं बन नॉर्मल एक्स नहीं, यहाँ पर डाल देते वापस, वो टेम हो चुका होगा, चलते चलते गए, चलते नहीं चलते नॉर्मल एक्स सारे के सारे। मेरे को चाले को तेरे मेरे को टेम करने का ड्रीम क्या ही कर, तो चाले को तेरे की टीम हो चुका है इसका तो लगा ही चला एले चला ये चलो इसके बाद ना ये कुछ और होता है बाद में के अलावा, बाद में के अलावा हर धक्का देने के अलावा ऐसे धक्का देते हैं तू टिक रटर। मेरे पास एक पहले से एक टिक था टाइम में रैप करते को रैप करने का था, नाइस एक रैप का डबी उड़ नहीं जाएगा अब लो रैप कर ऐसे नाइस मार सकते हैं किसी और को देने के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो देखते हैं क्या मैक्स लेवल में हुआ अभी तक यार इसका, तो कि टोटल 10 फीट को कैरी करता है गाइस,
कुछ नहीं है उसके पास भागने के लिए, कम आता है वैसे भी फिर भी देख तो नहीं आ पाएगा वो घर में, तो बाकी चल वो कुछ और काम नहीं करता था फिर ही साबित करता है तो। These tribal negotiations give me a headache every time. The Black Thumbs are mad that the painted sharks sunk two of their barges. But the painted sharks say that the barges were too close to Southern Haven, and they were perfectly within their rights to sink them, as per the Southern Isle Accords. Typically, neither side is willing to budge. What a bother. I'd just as soon mind wipe the lot of them and return to my studies. Alas, such is the fate of the island's most respected neutral entity. At least the painted sharks brought some fresh fish. Perhaps I'll side with them. I don't know where to start with Araneomorphus amalgotantibus. It has so many of the nightmare-inducing traits. Gigantosaurus furiosa is an enormous predator, larger even than the Tyrannosaurus. A smaller relative of Sarcosuchus, Caprosuchus paludentium, is a water-based carnivore, primarily found lurking among the island's swamps. It is difficult to be angry with Himenteria letus, despite its rather terrible nature.
The creature has practically no intelligence and just attaches to any nearby living flesh in an attempt to drain that creature's blood. Removing hementeria requires Utah Raptor Prime is an incredibly aggressive subspecies of Utah Raptor found on the island. It tends to travel in small hunting packs, attacking smaller prey with its sharp teeth and enlarged foreclaws. When hunting in fairly unremarkable by the island standards, Oncorhynchus grexlamia is a generally passive fish. Its main form of protection is swimming in a large school. Oncorhynchus does not like conflict, and generally swims away from anything larger than itself, ranging from 8 to 12 feet tall. Forest Rassidae rapidosulta is a highly aggressive avian that is just barely capable of very brief flight. Instead, it uses its wings primarily for balance during its high-speed sprints. Forest Rat, today I witnessed an unforgettable sight. The extremely rare Titanosaurus bagacastrum. Essentially a walking mountain, it is an absolutely enormous sauropod, which has developed armored plates of bone protrusions all over its body. Tussotuthis vampirus is a very aggressive water predator. Approximately 9 meters long, Tussotuthis is a terror of the deep. Once it grabs its prey, it slowly crushes it into submission while using the talons on its tentacles to siphon and drink the victim's blood. Tussotuthis is a terrifying opponent for several reasons. Firstly, its grab slowly renders its victim unconscious, so death isn't the only concern. Secondly, its vampiric blood drain instantly revitalizes it, even during combat. Finally, if Tussotuthis is losing the fight, it sprays a cloud of ink into the surrounding water, blinding its attackers to cover a sneaky escape. One of the major benefits of taming Tussotuthis is harvesting its ink. Unlike normal ink, Tussotuthis ink is very oily and can even be refined into fuels such as gasoline. Between that and Tussotuthis' distinct capability, it makes for an excellent aquatic tame, despite its slow speed. दो बनाना पड़ेगा वो चाहिए। मैंने मेटल अभी है अब तो है अभी आना यहाँ पर करोगे क्या 35 लेवल क्या लेवल ऊपर जब यहाँ पर रखते हैं टैग ले जा रहे थे अभी बिहेवियर इनेबल मीटिंग मीटिंग स्टार्ट टेक रैप्टर ये वाला मीटिंग स्टार्ट हो चुका है।